हेलो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम की किसी भी रील वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे कैसे लगा सकते हैं। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे काफ़ी अच्छे खासे जो व्यूज़ है मुझे मिल रहे हैं, तो उस पर जो है अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो जो है जब रील वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करने के लिए इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा रहे हैं और वहाँ पर जो है उनको सेव करने का जो ऑप्शन है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो इंस्टाग्राम की जो रील वीडियो है अपनी गैलरी में सेव नहीं कर पा रहे। सो आज की इस वीडियो पर मैं आपको एक नए तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे करके इंस्टाग्राम की किसी भी रील वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे अपडेट कर सकते हैं। सो आपको जो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है और इस वीडियो को लाइक कर देना। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आने के बाद मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप कैसे करके इंस्टाग्राम की किसी भी रील वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर से इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन ओपन कर देना होगा और ओपन करने के बाद पहले आपको, जैसे कि मान लो आपको जो भी रील वीडियो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगानी है उसको आपको पहले फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर से एक वीडियो जो है फाइंड कर लेता हूँ, फाइंड करने के बाद मैं जो है आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पर जो है एक वीडियो फाइंड कर लिया, मुझे इस वाले रील वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगानी है। तो वो कैसे करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर से जो है थ्री डॉट्स पे नहीं क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर जो है शेयर वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा और उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड रील टू योर स्टोरी पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद जो है आपके इंस्टाग्राम के यहाँ पर स्टोरी पर यहाँ पर जो है ये वाली रील वीडियो ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद जो है नॉर्मली हम क्या करते थे, उस वाले वीडियो के ट्रिक के थ्रू हम क्या करते थे, हम हमारे को जो है ऊपर यहाँ पर जो है एक सेव करने का एक आइकन जो वो शो होता था, हम वहाँ पर क्लिक करके इस वाले रील वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लेते थे। लेकिन अभी जो वाला सेव करने का जो ऑप्शन था वही कैसे गायब हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करता हूँ तो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है कहीं पर भी सेव करने का जो ऑप्शन है वो हमारे को नहीं दिखाई दे रहा है और इसी की वजह से लोग जो है किसी भी रील वीडियो को सेव नहीं कर पा रहे अपनी गैलरी में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे करके इस रील वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपडेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जो इसको फुल स्क्रीन पर कर लिया। तो आपको क्या करना होगा, आपको जिस भी वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर लगानी है आपको उस वाले रील वीडियो को पहले आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट करना है और यहाँ पर से शेयर पर क्लिक करना है और शेयर पे क्लिक करने के बाद जो है ये वाली रील वीडियो आपके इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, उस वाले रील वीडियो को मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपडेट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो वो अपडेट हो चुकी है और होने के बाद अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ और अगर मैं यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करूँ तो अभी जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन कहीं पर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और मैं जो है इस रील वीडियो को अपनी गैलरी में सेव नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे करके किसी भी रील वीडियो को सेव करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपडेट कर सकते हो। सो गाइस, उसके लिए क्या करना होगा, आपको दोबारा से यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन दिखाई देगा शेयर एज पोस्ट का, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा और इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर से ऊपर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, एरो पर क्लिक करना है और एरो पर क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा वही रील वीडियो यहाँ पर आ चुकी है और आने के बाद जो है ऊपर हमारे को यहाँ पर एक सेव करने का एक आइकन जो है वो दिख रहा है और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेसिंग, मतलब जो है ये वाली वीडियो हमारी गैलरी में अब सेव हो रही है विद म्यूज़िक के साथ। मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि इसमें म्यूज़िक आता है कि नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो में जो है म्यूज़िक नहीं आता है, म्यूज़िक जो है वो गायब हो जाता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि इसमें म्यूज़िक आता है कि नहीं आता है। तो हमारी वीडियो जो हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है, होने के बाद अगर मैं यहाँ पर से इसको पहले डिस्कार्ड कर लेता हूँ तो यहाँ पर से ये बैक हो चुका है। बैक होने के बाद हमारे को दोबारा से बैक करना है। बैक करने के बाद जो हमारी गैलरी पे वो वाली जो रील वीडियो थी वो सेव हो चुकी है। यहाँ से मैं बैक करते बैक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वाली रील वीडियो सेव हुई है कि नहीं हुई है विद म्यूज़िक के साथ। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर टॉप पर जो है वाली वीडियो जो मैंने सेव करी थी रील वीडियो वो आ चुकी है और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है इसमें जो आपको दिख रहा होगा इसमें जो है जो म्यूज़िक है वो भी आ रहा है। तो अब क्या करना होगा, हमारे को अपना व्हाट्सएप ओपन करना है और ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर से हमारे को कैमरे वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा, कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन जो है यहाँ पर से जो वीडियो हमने सेव करी थी वाली वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। उस वीडियो पर क्लिक करके आपको सिंपली से बस खाली शेयर पर क्लिक करना है और ये वाली वीडियो जो है शेयर हो जाएगी हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस पे। सो गाइस, ऐसे करके जो है आप अपने किसी भी इंस्टाग्राम की रील वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे अपडेट कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो पर इतना था। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी बहुत भी हेल्प करी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।